A very good morning to all of you. Students, I hope you are watching the videos and understanding the concepts. So, as you know, we had started chapter 18 from your English grammar, in which we are learning the uses of modals. So, this would be the last video from that chapter, and today our chapter will be completed. Okay. So let's get started. So, in our today's session, we are going to study about the uses of me, might, can, could. Now, me, might, can, could are used for the obligations, advice, and suggestions. Now, let's see the use of me first. Me indicates a possibility which is stronger than might, in other words, a good possibility. Might indicates a weak possibility. Can indicates a very weak possibility, and could it is used when there is a weak possibility. Alright, so me and can both are same in meaning. Might and could is the past form of me and can. Right, me is for the stronger possibility, might is for the weak possibility, and can is for the also for the weak possibility. वट डज द पास फॉर्म ऑफ कैन सी फादर मे बी अटेंडिंग अ मीटिंग इन हिज ऑफिस टूडे पापा अपने ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड कर सकते हैं आज सो देर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट्स वाई वी यूज येयर मी फादर माइट वी एट होम दिस आफ्टरनून पापा दोपहर इज दोपहर घर हो सकते हैं सो देर इज पॉसिबिलिटी बट इट्स अ वीक पॉसिबिलिटी

Possibilities are much than expectations, then we use may, and when the possibilities are weaker, then we use can. Past tense of me, I thought he might come. If you speak to him, he might come. Okay, so he also. ही सेट ही कुड ज्वाइन अस इन द इवनिंग उसने कहा कि वो मे इविंग में, में ज्वाइन कर सकता है सो हेयर आर द चांसेज आर वेरी लीस्ट चांसेज बहुत कम है वैन द चांसेज आर मोर जब चांसेज ज़्यादा होते हैं दैन वी यूज़ मे एंड वैन द पॉसिबिलिटीज़ आर लेस जब पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं दैन वी यूज़ कैन कुड इज़ ऑल्सो यूज समटाइम्स टू सजेट अ वीक पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर फ्यूचर में जब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है या वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं

Okay, so I will attend the marriage ceremony. It's my promise. You shall get a gift tomorrow. My promise to you. So the situation is adverse. According to the rule, we use will for the uh, except I and V, and shall is used with the I and we only. But when it comes to the promise, then the situation is adverse. We use uh, will with I and we and with the rest of the subjects, we use shall. See now. आई विल अटेंड द मैरिज सेरेमनी इट्स माई प्रोमिस कि मैं मैरिज सेरेमनी जरूर अटेंड करूंगा यू शिल गेट अ गिफ्ट टू मोरो तुम्हें कल एक गिफ्ट जरूर मिलेगा इट्स माई प्रोमिस टू यू सो विद यू वी यूज यूर शेल एंड विद आई वी हैव यूज विल ओके बट एज पर द रूल्स वी यूज शेल विद आई एंड वी ओनली एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वी यूज विल सिंस विल इज नाउ यूज विद ऑल द सबजेक्ट्स द फोर्स ऑफ प्रामिस विल इज़ मिसिंग सम सो वी सही अब विल का यूज हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में करते हैं ओके शैल इज़ नॉट कंपल्सरी वी कैन ऑल्सो टेक विल विद आई एंड वी ओके आई प्रोमिस टू अटेंड योर कजन्स मैरिज आई विल सर्टनली अटेंड योर कजन्स मैरिज विल शैल इन नॉर्मल यूजर्स सजेस्ट इंटेंशन एंड विलिंग्स आई शेल कॉल यू

जरूरी होता है और एक रूल होता है यू मस्ट नॉट टॉक ऑन द फ़ोन वाइल ड्राइविंग तुम्हें ड्राइव करते हुए फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट्स अ रूल ऑट नॉट टू इंडिकेट्स दैट समथिंग शुड नॉट बी डन बिकॉज इट्स अ ड्यूटी और ऑट टू का यूज़ हम तब करते हैं वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ मॉरल ड्यूटी यू ऑर्ड नॉट यू ऑट नॉट टॉक You, sorry you ought not to talk in the class to make class me chahiye. it's your duty so when it comes to the rule we use must not and when, when we talk about the duties then we use ought to next is request so when we are requesting for something we use would want can could

के लिए यूज़ करते हैं कैन आई हैव सम आइसक्रीम यू कुड यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट कुड का यूज़ हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं बट इट इज़ अनसर्टन वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड बट ये श्योर नहीं है कि इसको एक्सेप्ट किया जाता जैसे मदर कुड यू बाय अ वॉच फॉर मी प्लीज़ मदर क्या ममा क्या आप मुझे एक वॉच खरीद के देंगे नेक्स्ट यूज ऑफ मे एंड डेयर मे और यूज डेयर का यूज मे यूज मे इज यूज टू एक्सप्रेस विशेज मे का यूज हम विशेज एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं लाइक मी गॉड ब्लेस यू डेयर इज यूज एज अ मॉडल टू इंडिकेट नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग डेयर का यूज हम तब करते हैं डेयर मीन्स हिम्मत तो डेयर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं कि तुम्हें उससे डरना नहीं है नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग किसी भी चीज़ से डरना नहीं है इट इज़ यूज मोस्ट मोस्टली इन निगेटिव सेंटेंसेज एंड इन क्वेश्चन इसका यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव और इंटारोबेटिव क्वेश्चन में किया जाता है आई डेयर नॉट स्पीक टू हिम नाउ सिंस ही इज़ एंग्री जब से वो मुझसे गुस्सा है तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की डेयर कैन ऑल्सो भी यूज इन एज अ नॉर्मल वर्ब विद डू डज डिड डेयर का यूज हम डू डज डिड वर्ब्स के साथ में भी यूज कर सकते हैं आई डोंट डेयर टू स्पीक टू हिम नाउ सिंस ही इज एंग्री डू यू डेयर टू गो क्लोज टू द लॉय क्या तुम लॉय के केज के, के पास जाने की हिम्मत रखते हो सो हेयर द मोड आर ओवर आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल सो हेयर आर द एक्सरसाइजेस Now, do it yourself. Okay, thank you.